नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधान परिषद की खाली हुई दो सीटें, जिसमें सुशील मोदी के राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई एक सीट और साथ ही विनोद नारायण झा के विधायक बनने के बाद खाली हुई दूसरी सीट पर हुए चुनाव में निर्विरोध जीते एनडीए प्रत्याशी सैयद शहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी से आते हैं, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी, जो कि आते हैं वीआईपी पार्टी से। उन दोनों के निर्विरोध जीत के बाद आज उनका शपथ ग्रहण जो समारोह है वो जो विधान परिषद का जो विस्तारित भवन है वहां पर हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सैयद शहनवाज हुसैन जो है केंद्र की राजनीति करते रहे हैं, वो अब बिहार में की राजनीति करेंगे। पार्टी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया है। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो सरकार में मंत्री हैं, वो भी पहली बार जो है विधान परिषद के सदस्य के तौर पर जो है वो अब सदन में होंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच में इन लोगों ने शपथ ग्रहण के बाद किस तरीके से अपने आगे की रणनीति के बारे में अपनी बातें कही हैं, सुनिए इस पूरे बयान में। जिम्मेदारी है और कोई जिम्मेदारी मेरे पास अभी नहीं है। बाकी बंगाल के चुनाव में जाऊंगा, अभी कश्मीर का चुनाव करके आया, तो मैं पार्टी का जो काम करता हूं वो करता रहूं। एक अंतिम सवाल, कैसे देखते हैं जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे अभी भी हालात जो है वो बहुत अच्छा नहीं है? किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए के नीचे, 60-60 लाख के ट्रैक्टर के नीचे भारत के लोकतंत्र को, गणतंत्र को कुचलने की साजिश की। राकेश टिकैत आज आंख में आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले की आंखों में आंसू थे जब लाल किले पर इन लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर, जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर जाकर अन्य झंडा फहरा दिया। ये देश के लोग कभी उनको क्षमा करने वाले नहीं। सर, लेकिन कल बिहार में भी आपके जो विपक्ष के नेता है वो मानव श्रृंखला बना रहे हैं, इसी किसान के समर्थन, उनको क्या कहेंगे? उनके पास अच्छा है, कुछ काम तो करना चाहिए उनको। कोई काम नहीं, आपको लगता है कल हुड़दंग जैसे हुआ कहीं में भी यहाँ भी हो सकता है जब लाखों लोग रोड पे आएंगे? तो देखिए, सबको मालूम है ये बिल किसानों के हित में है, और जो कृत्य किया है आंदोलन के नाम पर, बहुत सी बड़ी साजिश थी कि लाल किले पर चढ़ जाओ, पुलिस को मारो पीटो, फिर पुलिस फायर करे, फिर लाशें गिर जाए, और लाशों पर राजनीति करने वाले विपक्ष इंतजार में थे क्या उस पर राजनीति करेंगे। ये मौका दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया, ये बहुत दिल्ली पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस देश की और लोकतंत्र की और गणतंत्र की रक्षा की। जी जी, आज विधान परिषद का मैं सदस्य शपथ लिया हूं, और इसके लिए मैं तह दिल से पूरे हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम टॉप नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं, खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, कि उन्होंने मुझे बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाए हैं, जिसका शपथ लिया हूं। और मजबूती से जो मुझे दायित्व मिला है, मजबूती से बिहार, पूरे बिहार के लिए, हर जाति धर्म के लिए, 12 करोड़ जनता के लिए, और खास करके युवा के लिए मजबूती से मैं काम करूंगा। काम तो ऑलरेडी 2 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बिहार के मंत्री कैबिनेट में शामिल किए हैं, तो उसके लेके मैं काम 2 महीने पहले से ही कर रहा हूँ। और अभी जो एक शपथ लिया हूँ, तो इसे एक आधिकारिक तौर पे कुछ लोग, सबको पता ही है कि विधान परिषद में किस तरीके से आवाज उठा रहे थे, तो आज मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं उनके सब समझने के लिए उचित होगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।